बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक। ख्रीस्त में मेरे प्रिय मसीही भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। आज के तीनों पाठ क्षमा और दया पर केंद्रित हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया यह उत्तर सिर्फ पेत्रुस के लिए ही नहीं बल्कि हम सबों के लिए है। पेत्रुस की तरह हम भी कई बार सोचते हैं कि आखिर हम कब तक अपने भाई या बहन तथा अपने विरोधी को क्षमा करते रहें। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक, अर्थात हमेशा बारंबार एक दूसरे को क्षमा करना है। क्षमा, यह शब्द बहुत छोटा सा प्रतीत होता है, परंतु इसमें संपूर्ण जीवन तथा जीवन की खुशियां छुपी हैं। हमें अक्सर अपनी गलतियां छोटी और दूसरों की गलतियां बड़ी लगती हैं। हम बहुत बार उस सेवक की तरह व्यवहार करते हैं जो स्वयं क्षमा पाने के बाद भी दूसरे व्यक्ति अर्थात अपने से नीचे के सेवक को माफ नहीं कर पाते हैं। आज के पहले पाठ के प्रवक्ता ग्रंथ में वचन कहता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो। यदि कोई अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में हमेशा कहते हैं, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, यदि कोई दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बदलें। यदि क्षमा पाना चाहते हो तो सबसे पहले क्षमा करना सीखें। मेरे प्रिय दोस्तों, यह जिंदगी सिर्फ पल दो पल की है जिसमें ना तो आज और ना ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हंसी पल है, अर्थात यह हम पर निर्भर करता है कि हम जीवन कैसे जीते हैं। एक दूसरे को क्षमा कर सुकून से या नफरत कर घुट घुट के। आइए आज हम ईश्वर से यही आशीष एवं कृपा मांगे कि हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सके जैसे स्वयं यीशु ने हमें सिखलाया है, और इस दुनिया को स्वर्ग सा बनाएं जिसमें आप, मैं और सभी लोग हंसते खेलते एक दूसरे को प्यार करते जीवन जिए। प्रभु इसमें हम सबों की सहायता करें। आमीन।